ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के बेलगढ़ा थाना पुलिस ने एक 108 जननी एम्बुलेंस को अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा है। 108 एम्बुलेंस में अवैध रूप से शराब को भरकर ले जाया जा रहा था। बता दें कि 108 जननी एम्बुलेंस शिवपुरी के जिला अस्पताल सहित मगरोनी के स्वास्थ्य केंद्र से संचालित होती है। बेलगढ़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बेलगढ़ा थाना पुलिस ने एक 108 जननी एम्बुलेंस को मंगलवार रात भितरवार की ओर से आते हुए देवरी गांव के पास पकड़ा था। चेकिंग के दौरान 108 जननी एम्बुलेंस से पुलिस 10 पेटी देशी शराब और 4 पेटी बियर पकड़ी थी। पुलिस पड़ताल में पता चला है कि 108 जननी एम्बुलेंस में शिवपुरी जिले से शराब भरकर ग्वालियर के किसी क्षेत्र में तस्करी कर ले जाई जा रही थी। बेलगढ़ा थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार ने बताया कि 108 जननी एम्बुलेंस का ड्राइवर सुरेंद्र रावत और एक अन्य रोशन रावत को पकड़ा है, जिनके शराब तस्करी की जा रही थी। पकड़े गए आरोपियों से अवैध शराब के बारे में पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। 108 एम्बुलेंस के जिला कोऑर्डिनेटर शुभम मिश्रा ने बताया कि यह जानकारी उन्हें भी आज सुबह मिली थी, जो 108 एम्बुलेंस शराब के साथ पकड़ी गई है। यह एम्बुलेंस वेंडर भरत शर्मा और सोहेब खान के द्वारा संचालित की जा रही थी। इस मामले की जानकारी प्रदेश मुख्यालय पर पहुँचा दी गई है। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी बेलगढ़ा नाइट ग्राउंड पे थे। इसी दौरान इलाके में देवरी गांव के पास बुधवार की तरफ से गाड़ी में कोई एम्बुलेंस थी, उसको संदेह होने पर चेक किया गया। उसमें 10 पेटी देसी शराब की, 4 पेटी बीयर की था। इसमें दो आरोपी थे, दोनों गिरफ्तार करके पुलिस संयुक्त कार्रवाई की गई। तब कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ लेकर आए थे, उसका तो पता, इसके बारे में पुलिस सभी अनुसंधान कर रही है। पूरी छानबीन करने के बाद उसमें आगे जो भी और स्थल हुआ जहाँ से ले जा रहे थे और जहाँ पे ले जा रहे थे उनकी बदली कार्रवाई की जाए। एम्बुलेंस को अगर तक चेकिंग किया, एम्बुलेंस की कोई पता लगा उसको गाड़ी ले गए, ये मुखपत्र के द्वारा हमको पता लगा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ एम्बुलेंस के माध्यम से संचालित की जा रही है। तो उस पर कार्रवाई की